अस्सलामुअलैकुम। हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा ये नावल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। ब्लीड वॉच कीजिएगा। आए अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सर, आज आपकी 2 बजे 21 यूरोस के साथ मीटिंग है, उसके बाद आपने जो साइट देखने का कहा था वहाँ जाना है आपने, और न्यू डिज़ाइंस भी आ गए हैं, वो आपकी टेबल पर रख दिए हैं, आप वो भी चेक कर लें। जैसे ही वो अपने ऑफिस में एंटर हुआ, उसकी सेक्रेटरी ने पूरे दिन का शेड्यूल उसको रिमाइंड करवाया था। इंटरकॉम बजा था और उसकी नज़र गई थी वहाँ। ओके मिस ताशा, आप जा सकती हैं। ओके सर, हैव अ गुड डे, प्रोफेशनली जवाब देकर वो कैबिन से बाहर चली गई थी और वो इंटरकॉम की तरफ मुतवज्जा हुआ था। यस, वही मगरूराना लहजा। सर, आपसे मिलने कोई शमसुद्दीन आए हैं। शदीद गुस्से की लहर दौड़ी थी पूरे जिस्म में और जब बोला था तो लहजे में चट्टानों सी सकती थी। मिस्टर बाकी, क्या उन्होंने अपॉइंटमेंट ली है? नो सर, तो फिर मुझे क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं आप? अगर किसी को मिलना है तो पहले अपॉइंटमेंट ले, और हाँ, अगले 10 दिन तक मेरा शेड्यूल बिजी रहेगा। गॉट इट? अगर कोई अपॉइंटमेंट है तो भी उसको उसके बाद होगी और दोबारा मुझे ये बात बतानी ना पड़े। और खटाक फ़ोन बंद किया था। आंखों में फिर से सर्द जंग शुरू हो गई थी और वो बड़े अहम कान से दोबारा लैपटॉप पर झुक गया। और अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस भपरे हुए शेर के सामने जाने की गुस्ताखी करे। मशी घर आते ही सीधा गाजी के रूम में गई। मिशी और छोड़ दे किसी को, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुद ही अपनी सोच पे मुस्कुराई और जल्दी से अपना काम करने लगी। आखिर जो कारनामा सोचा था वो भी तो सर अंजाम देना था। और ठीक 20 मिनट बाद वो खामोशी से अपना काम सर अंजाम देकर अपने रूम में आके लेट गई और गाजी के रिएक्शन का सोच सोच के मुस्कुराने लगी। गाजी भाई, आप भी ना, जब आपको पता ही है आप मिशी को तंग करेंगे तो वो भी बदला लेगी ना, और मिशी का बदला तो फिर मिशी का बदला होता है। चलो जब तक भाई नहीं आते थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर ड्रामा बीस भी तो नहीं करना ना। प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ जाने मन, तुम्हारा तो सौदा पक्का हो गया, 50 लाख दे रहा है वो पागल तुम्हारे लिए। हम भी तो देखें ऐसा क्या है तुम में, तो क्यों ना पहले खुद ही टेस्ट कर ले, खबासत से कहते हुए उसकी करीब जाने लगा। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, रूम का दरवाज़ा खुला और उसका आदमी अंदर आया। शेख बॉस का फ़ोन आया है, आप बात कर लो, एमरजेंसी है। चलो, ये बॉस को भी आराम नहीं, और तुम खुद को तैयार कर लो, ज़्यादा चूचरा करने की ना तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। जैसे ही शेख बाहर गया तो नौकर फ़ौरन उसके पास आया और वो डर के 2 कदम पीछे हुए, खौफ उसके चेहरे से आया था। बीबी डरो नहीं, और ये चाबी लो, ये इस कमरे की चाबी है, मैं बॉस को बिजी रखूँगा। वैसे भी अब बॉस बाकी का काम ख़त्म करके ही आपके पास आएगा, तब तक आप भाग जाना, ये लोग बेच देंगे आपको, बहुत जालिम है ये लोग, और बॉस की नीयत वैसे भी आप पे बहुत ख़राब हो गई है। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अगर भाग गई तो हाथ मत लगना इनके, वरना चीर फाड़ के खा जाएंगे। अब मैं चलता हूँ। पर वो वहीं बैठ गई और खामोशी से आंसू बहाने लगी, अपने रब के आगे सजदा रेज होकर अपनी इज्जत की हिफाजत मांगने लगी। कुछ देर बाद जब रात गहरी होगी तो वो आराम से बगैर शोर पैदा किए दरवाज़ा खोल के अंधाधुंध जंगल की तरफ भागने लगी। उसके पाँव में ना जाने कितने ही जख्म आए, लेकिन उसे उस वक्त सिर्फ अपनी इज्जत बचानी थी। बगैर अपने जख्मों की परवाह किए वो बस भागी जा रही थी कि सामने रोड पे गाड़ी नजर आई। वो फौरन से उसकी तरफ गई मदद मांगने के लिए, ये जाने बगैर कि वो जिस तरफ मदद मांगने के लिए जा रही है वहाँ से उसे मदद तो क्या ही मिलेगी। अगर वो उनके हाथ लग गई तो जो इज्जत बचा कर भागी अपने मरने की दुआ करेगी। वो तो आखिरी उम्मीद समझ के गई थी उसके पास, लेकिन अब उसके साथ क्या होना था उससे बात से वो बिल्कुल अनजान थी। जैसे ही भागते हुए वो गाड़ी के पास गई, गाड़ी के टायर चिचड़ाए थे और वो वही होश और हर से बेगाना हो गई, आने वाले पलों से अनजान। गाजी को अपने दोस्तों के साथ आज काफ़ी देर हो गई थी, रात 8 बजे वापसी हुई थी उसकी। साथ आते ही रूम में पहले गया, कपड़े लिए और फ्रेश होने वाशरूम चला गया, और ठीक 5 मिनट बाद उसकी चीख बरामद हुई। मिशी मैडम ने शैम्पू की जगह अंडा डाल दिया था बोतल में, और गाजी साहब वही अंडा बड़े मजे से सर में लगाकर मसाज करने लगे, और जब अजीब सी स्मेल आई तो उसी हाथ को नाक के करीब ले जाके सूंघा तो पता लगा जनाब शैम्पू की जगह अंडे का मसाज कर रहे थे। गंदे से मुँह के जाविये बनाते हुए वो चीखते हुए बाहर आया, मिशी अभी इतना ही कहा था कि उसके पैर जो के हाथ स्लीपर में थे आगे बढ़ने से अनकारी थे, वजह स्लीपर में लगी एल्फी थी, वो अब इसी जगह स्टिक थे। और मिशी जो के रूम के बाहर कान लगा के खड़ी थी, फौरन अंदर आई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। भाई आप हा हा हा, मैं हंसी की वजह से बोला भी नहीं जा रहा था, भाई कितने क्यूट लग रही हैं, एक सेल्फी तो बनती है ना। और फौरन से उसकी 3-4 पिक्चर्स बना ली।
मशी की बच्ची मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, दांत पीस कर, राजी ने कहा। भाई आप खुद को स्लीपर से आजाद करवा लो तो मुझे पकड़ेगा ना, जबान चुरा कर भाग गई गाजी के रूम से। पीछे गाजी बेचारे ने कोसा था खुद को, क्यों नहीं पिक किया मिशी को, अगर कर लेता तो अब इस तरह वॉशरूम में यूं एक जगह ना खड़ा होता। खैर मिशी की क्लास को बाद में लेने का सोचकर पहले खुद को स्लीपर से और अंडे की बदबू से आजाद करवाने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि अंडे की स्मेल तो बर्दाश्त से बाहर थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आइए एसीपी रजम, हम आपका ही वेट कर रहे थे, अब ये केस आप हैंडल करेंगे। ये एक ग्रोह है जो ड्रग के साथ मासूम लड़कियों की भी स्मगलिंग करते हैं, हमें इनको इनके दर्दनाक अंजाम तक पहुंचाना है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनका एक ग्रोह स्टूडेंट्स की शक्ल में लाहौर यूनिवर्सिटी में भी मौजूद है और वो नई नस्ल को ड्रग का आदी बनाते हैं और झूठे प्यार की जाल में फंसा कर उनकी स्मगलिंग करते हैं, और ज़्यादातर नौ उम्र लड़कियाँ उनका शिकार होती हैं जो उनके भेलावे में आ जाती हैं और बाद में पछताती हैं। ये ग्रोह बहुत जल्द दूसरे शहरों में भी उनका रुख करने का सोच रहे हैं, हमें जल्द से जल्द इनको पकड़ना है। इस फाइल में उनसे सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद है। डीएसपी शफीक ने सारी इन्फॉर्मेशन रजम के वोश गुजार दी और फाइल उसके हवाले कर दी। आज से और अभी से ये केस आपके हवाले है एसीपी रजम जाफरी। डोंट वरी सर, ये काम अब मेरे जिम्मे है, बहुत जल्द मैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा और अपने मुल्क की मासूम कलियों को मसलने नहीं दूंगा। अपनी कैब लेकर वहां से रवाना हो गया। अब उसका रुख लाहौर यूनिवर्सिटी की तरफ था। रजम एक 26 साल का खूबरू नौजवान था, 6 फुट लंबा कद, पुसरती जिस्म, चेहरे पे दाढ़ी जो उसे मगरूर बनाती थी, और काली गहरी सर्द आंखें जिनमें हमेशा अपने मुल्क के गद्दारों के लिए कोई एहसास नहीं जागता था। और जब बात लड़कियों की आती तो उसके अंदर का हैवान जाग जाता और उन लोगों को वो इबरत का निशाना बनाता था। उसका एक ही मकसद था, अपने मुल्क को जुर्म से पाक करना। बहुत कम उम्र में ही उसने ये मकाम हासिल कर लिया था। उसकी ईमानदारी के हर जगह चर्चे होते, लोग भी इज्जत की नज़र से देखते थे, और जो लोग पुलिस के बारे में गलत सोचते थे कि ये तो रिश्वतखोर होते हैं, उन लोगों का ये नजरिया बदल दिया था एसीपी रजम जाफरी ने कि पुलिस भी ईमानदार होते हैं और उनके रहते कोई भी गंदी नज़र उठाकर उनके मुल्क पाकिस्तान को देख भी नहीं सकता। और कोई शक नहीं कि अल्लाह ने मुसलमान कौम को बहादुर पैदा किया, पर अपने मुल्क को बचाने में अगर वो शहीद भी हो जाए तो उसे इजाज़ समझते हैं, पर अपने मुल्क की इबादत के लिए जान दे सकते हैं तो उसी मुल्क के लिए जान ले भी सकते हैं। और अपने इसी मकसद को पूरा करने वो आज यूनिवर्सिटी आया था, और वहाँ पर पहुँचते ही उसका सामना ब्राउन आँखों वाली हसीना से हुआ, जो कि लॉन के सूट में साथ में मैचिंग खुस्सा पहने, आंखों में काजल, घनी पलके, भरे भरे गुलाबी होंठ जिन पे हल्की गुलाबी लिम की लिपस्टिक लगी हुई थी, और गुलाबी ही गाल और मेकअप से पाक आरी चेहरा। वो हसीना पहले ही नजर में उसका दिल धड़का गई, और पहली नजर का प्यार क्या होता है आज कोई एसीपी रजम से पूछता। वो कोई हसन परस्त नहीं था, लेकिन हजाब की तरह दुपट्टे से अपने मासूम चेहरे को कवर किए वो हसीना उसका दिल चुरा ले गई थी। उसे वो कोई गुड़िया ही लगी थी जो कि महज 17 साल की होगी, लेकिन क्या उसे उसकी मोहब्बत मिलनी थी या फिर पाकर भी खो देनी थी ये मोहब्बत, वो भी अपने ही हाथों से। ये सब सोचों ने अनजान वो बस अपनी कातिल हसीना के बारे में सोच रहा था। वो हसीना जितनी हसीन थी उसकी जबान तौबा, रजम बेटा तू तो गया, हा हा हा। अपनी सोचों पे खुद ही हंसते हुए उसका रुख अब प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ था, जहाँ से ज्वाइनिंग लेटर लेकर उसने ज्वाइन करना था। अब किस्मत क्या खेल खेलने वाली थी उसके साथ, इस बात से अनजान वो खुश था कि वह दोबारा मिलेगा अपनी हसीना से। ये सोच ही उसे सरशार कर गई थी। जलाल की आज भी वही हालत थी जो 15 साल पहले की थी, जब जब वो उस रात को याद करता इंतकाम की एक नई आग भड़क जाती उसके सीने में, एक डर सा होता था उसके सीने में। वो लोगों को मजबूत नजर आने वाला बेरहम और मगरूर बादशाह कमजोर पड़ जाता जब भी माजी की कोई याद ताज़ा होती। वो भी खुश था, उसकी खुशियों को भी नज़र लग गई थी या किसी ने लगा दी थी। वो पिछले 15 साल से वो इस आग में जल रहा था, कोई ऐसा दिन नहीं था जब उसे भी सुकून मैसर हुआ। और सुकून कहाँ था उसके पास, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, जो भी थी वो दूर थी। और अब वक्त जलाल का था, वो ले आएगा अपनी रुपंजल, अपनी हदी को अपने पास, फिर उसके पास भी सब होगा, उसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और ये वक्त जल्दी आने वाला था कि कोई होगा जो उसे देख के खुश होगा, कोई होगा जो उसका इंतज़ार करेगा, कोई होगा जो सिर्फ उससे प्यार करेगा, और कोई होगा जो उससे लड़ेगा। और ये हक सिर्फ उसकी जान का है, उसकी हदी का। ये सोच ही उसे सुकून दे रही थी। तो जब वो खुद हो तो दुनिया कितनी हसीन होगी, बस वो उसकी हदी। जब जब वो उसके बारे में सोचता तो वक्त का पता ही ना चलता, घंटों बस उसे सोचे जाता, जिसे वो याद भी ना था। आखिर उसकी उम्र ही कितनी थी, महज 5 साल। वो तभी इतनी क्यूट थी, तो अब तो वो और हसीन हो गई होगी। एक ख्वाहिश उभरी थी दिल में कि वो उसे देखे, उसे सुने और बस खो जाए उसमें। इन्हीं सोचों में वो कब नींद की वादी में गया उसे पता ही ना चला। सुबह का सूरज तलू हुआ और उसके साथ ही जलाल की ज़िंदगी में एक नए किरण लाया था। सुबह उठते ही वो जॉगिंग पे चला गया और वापस आते ही अकरम को आवाज़ लगाने लगा, और अकरम बोतल की जिन की तरह हाजिर हुआ। अकरम मेरी पैकिंग करो, मेरी आज की फ़्लाइट है पाकिस्तान की। एयरपीस लगाकर मैनेजर को कॉल की। बशर कहाँ कहाँ तक हुआ, मुझे मेरे आने से पहले हर चीज़ पर वक्त चाहिए और गलती की कोई गुंजाइश ना हो। मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि जलाल दूसरा मौका नहीं देता। गॉट इट,
लहजा ऐसा था कि जलाकर को खाकसर कर देने वाला और आंखों में हुई सर्द पड़ता। उसका रुख अपने रूम की तरफ था। सीढ़ियां अबूर करते वो अपने रूम में आया, जहां हर मुश्किल का हर हर दुख का मदावा, हर परेशानी का सुकून, हर गुस्से की दवा। रूम में आते ही वह पुरसकून हो गया, जब नीली आंखें ग्रीन आंखों से टकराई थी। बस कुछ घंटे और फिर मैं तुम्हारे पास होऊंगा, तुम्हें महसूस कर सकूंगा। आज वह खुश था, बहुत खुश, और आइंदा भी ये मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रहनी थी हमेशा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? पर जो भी था वो उसके सामने होगी, उसे और क्या चाहिए था कि वो उसे रूबरू देख सकेगा। वो तो इतने में खुश था, वो तो बचपन से उसकी मोहब्बत करता था, और वो मोहब्बत इसमें बदल गई थी। जैसे ही कोमल को होश आया तो खुद को अनजान जगह पे पाया। खौफ की एक लहर दौड़ी थी उसके जिस्म में, उसे जाना था यहाँ से बस। अभी वो इन्हीं सोचों में थी कि दरवाज़ा खुला रूम का, वो अंदर आया। आप ठीक है? आप अचानक से मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी, आपको लगी तो नहीं, लेकिन आप शायद खौफ से बेहोश हो गई थी। अब कैसी है आपकी तबीयत? मामा मैं ठीक हूँ, खौफ से उसकी जबान भी लड़खड़ा रही थी। मुझे जाना है अभी। ऐसे कैसे, आप अभी आप ठीक नहीं है, आपके पाँव में चोट भी लगी है, आप आराम करें। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप आवाज़ लगा दीजिएगा, आप आराम करें अब। और आराम से उसे बेड पे लेटा दिया था। लेटाते हुए जिस तरह से उसका हाथ उसे टच हुआ था, उसे फील हुआ था कि ये लम्स ठीक नहीं है। और वो शख्स की आंखें और उनकी चमक, वो फिर से खौफ में मुब्तला हो गई थी। उसे बस अब जल्द अज जल्द जाना था। उसके रूम से जाते ही वो फौरन उठ के बैठ गई और जगह तलाश करने लगी कि यहाँ से कैसे बाहर जाए। ये एक फर्नीशर्ड रूम था जहाँ जी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन उसे वहशत हो रही थी इन सब चीज़ों से। उसकी नज़र एक खिड़की पर पड़ी और फौरन उसकी तरफ लपकी और खोलने की कोशिश करने लगी। अपना सारा जोर लगा के वो उसे खोलने में लगी थी। उसे बस जाना है यहाँ से, ये एक ही सोच उसके जहन में थी। उसी टाइम रूम का दरवाज़ा खुल और एस ए रूम में एंटर हुआ। ओहो जान, कहाँ जाने की तैयारी है? मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा सकती। कोमल के जबड़े को सख्ती से पकड़े वो घुराया था। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि कोमल को उसके हाथ अपने जबड़े में धंसते हुए महसूस हुए। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए। चलो अब तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो तो तुम्हारी भूल है बेबी, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरे पास रहोगी हमेशा हमेशा। उसकी बातों से कोमल को ओढ़ने लगने, हाथ जोड़ के उसके से गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ हाँ हाँ, कोमल की बात सुनकर उसका कहका बेसाखता था। मेरी जान, तुम यहाँ से जाओगी तब किसी को बताओगी ना, यहाँ से तो तुम अब जा ही नहीं सकती, कभी भी नहीं जा सकती। पहले तो तुम पे रहम कर लेता कि निकाह का फैसला किया था क्योंकि तुम बहुत हसीन हो, लेकिन यहाँ से भागने की गलती करके तुमने बहुत गलत किया, और उसकी सज़ा यही है कि अब तुम यहाँ रहोगी लेकिन बगैर निकाह के। जब मेरा दिल करेगा दिल भिलाऊंगा तुमसे। भागने की गलती करके तुमने अपने लिए बहुत ही मुश्किल पैदा किया। चलो अब हमें भी खुश कर दो, हमें भी नजरे करम कर दो। खबासत से कहते हुए अपने कदम उसकी जानी बढ़ाए और अपनी गिरफ्त में ले लिया उसे। नहीं नहीं प्लीज़ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, रहम करो मुझ पे। वो अपनी पूरी जान लगा कर उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन नाकाम रही, और उस दरिंदे को रहम ना आए और अपनी इज्जत की हिफाजत ना कर सकी। उसकी सारी मजहमत बेकार गई और वह हमेशा के लिए एक ज़रूरत का सामान बनकर रह गई। इस नावल का अगला हिस्सा मेरी अगली वीडियो में, और अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।